सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि मत्सर क्या होता है? एक व्यक्ति था, भगवान का भजन आदि करता था, तो नाम जाप से उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और कहा कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो बोले कि मुझे वर चाहिए आपसे। बोले क्या वर चाहिए? तो कहने लगा कि मैं जो वस्तु अपने जीवन में प्राप्त करना चाहूं वो पड़ोसी के दो हो जाएं। जैसे मैं चाहूं कि मेरा एक घर बन जाए तो पड़ोसी के दो घर बन जाएं। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए कि ये तो आजकल कोई भी किसी का उत्कर्ष देखना नहीं चाहता है, ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। चाहता है कि पड़ोसी बहुत आगे जाए, मेहनत स्वयं कर रहा है और चाहता है कि पड़ोसी खूब उत्थान करे, तरक्की करे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। घर आया, सोचा ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, अब ये वरदान में शक्ति है कि नहीं, प्रैक्टिकल किया जाए। तो घर आके क्या करता है, नेत्र बंद किए, मंत्र को याद किया, हे ब्रह्मदेव मेरा एक घर बन जाए। अब देखा कि उसने नेत्र खोले तो एक घर बन गया, पड़ोसी के दो घर बन गए। बाहर निकल के देख रहा, अरे ये तो दो घर बने हुए हैं, वरदान तो बिल्कुल सत्य है। फिर कहता है कि भगवान मेरी एक गाड़ी आ जाए। देखा कि बगल वाले के पास दो गाड़ियां खड़ी हैं। अब उसको ईर्ष्या द्वेष होने लगा, अब ये मत्सर पनपने लगा कि मेहनत मैंने की और फल किसको मिल रहा है, पड़ोसी को, और वरदान तो तुमने यही मांगा था। अब बोला अब इसको मारूं कैसे, इसको तो मैं देख नहीं सकता। तो कहता है कि हे ब्रह्मदेव मेरे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। अब देखा कि एक कुआं खुद गया, पड़ोसी के दरवाजे पर दो कुआं। अब वो यही चाहता था, अब सोच रहा है कि कुआं तो खुद गया, अब ये दोनों आंखें हैं इसके, अब ये बच के चलेगा, कुएं में तो गिरेगा नहीं, तो अब क्या उपाय करें, क्योंकि डायरेक्ट मारूंगा तो धारा 302, तो वरदान से ही मार दो। अब कहता है, हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, इसलिए कि पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। तो ये होता है मत्सर, कि किसी के उत्थान को, उत्कर्ष को देखकर जलना। और मैं हमेशा कहती हूं, निंदा करने वालों से डरकर नहीं डटकर सामना कीजिए। निंदा करने वालों से डरकर नहीं डटकर सामना कीजिए, क्योंकि जो हमें गिराने का प्रयास करते हैं भगवान उन्हें बार बार गिराते हैं। डरिए नहीं, डटिए। जो निंदक होते हैं वो निंदा करते ही हैं, जिसका जैसा स्वभाव, जिसकी जैसी बाड़ी, वैसा ही तो व्यक्ति करेगा। तो व्यास भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति लोगों से ईर्ष्या करता है वो भागवत का अधिकारी नहीं है। सुन सकता है लेकिन अधिकारी नहीं है। तो कपट रहे धर्म का निरूपण भागवत जी में किया हुआ है। जब हमारा मन निर्मल होगा, हमारा दिमाग साफ होगा, हम कथा को सुनेंगे तो हम पर भागवत की कृपा होगी।